प्रत्येक क्षेत्र में गुरु की, निर्देशक की, मार्गदर्शक की अपेक्षा होती है, किंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में अत्यधिक अथवा नितांत अपेक्षा रहती है। इसलिए यहाँ तक कह दिया जाता है बिना गुरु के गति नहीं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं लेना चाहिए पूरी की पूरी गति केवल गुरु के ही माध्यम से होती है। सारे के सारे कार्य गुरु के माध्यम से यहाँ पूर्ण होते हैं ऐसा नहीं है। गुरु केवल निर्देश कर सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है, विषय का सामान्य ज्ञान कराता है, विशेष कार्य स्वयं ही करने होते हैं। कारण यह है कि यहाँ आध्यात्मिक क्षेत्र में जो भी कार्य विशेष किए जाते हैं सारे के सारे आंतरिक होते हैं, मानसिक होते हैं, मन में या मन से संपन्न किए जाते हैं। और अंदर भीतर मन में पुनः किसी का प्रवेश संभव नहीं हो सकता, गुरु का भी प्रवेश भीतर संभव नहीं हो सकता है। कार्य सारे भीतर ही होने हैं, इस कारण से सारे कार्य गुरु के द्वारा हो जाएंगे ये नहीं कहा जा सकता है। गुरु के निर्देश के अनुसार, उपदेश के अनुसार कार्य स्वयं करने होते हैं। पुनरपि यहाँ जो अनिवार्यता अपेक्षा कही गई है उसमें होता है कि अन्य कार्यों को तो हम अपनी ओर से भी विशेष विचार करके प्रेरित हो जाते हैं, बाहर के जो विषय होते हैं उन विषयों में हम स्वयं अधिक से अधिक निर्णय लेने में समर्थ हो जाते हैं। बाहर के विषय प्रत्यक्षगत होने के कारण उनको जानना हमको स्वयं से प्रत्यक्ष से बहुत अधिक संभव हो जाता है। इसलिए बाह्य विषयों में चाहे उचित है या अनुचित है उनमें स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है, विशेष प्रेरणा की अपेक्षा नहीं होती है। लेकिन जो आंतरिक विषय होते हैं वो हमारे प्रत्यक्ष के नहीं होते, सारे के सारे आंतरिक विषय परोक्ष हो जाते हैं। तो विषय की परोक्षता के कारण पुनः उनमें हमको निर्णय लेना कठिन हो जाता है, ठीक प्रकार से उनका परिज्ञान या उस विषय में निर्णय नहीं ले पाते हैं और निर्णय के अभाव में प्रवृत्ति भी नहीं हो पाती। अतः कोई न कोई विशेष प्रेरक, विशेष मार्गदर्शक अथवा बल
लगाने वाला हमको उपेक्षित हो जाता है। अंतर के विषय स्वयं भी हम नहीं जान पाते हैं, स्वयं भी उसमें निर्णय नहीं हो पाता है, और उसके जो भी फल होते हैं वो भी तात्कालिक नहीं होते, बहुत चिरकालिक होते हैं, लंबे काल में उसके फल दिखाई देते हैं। बाह्य कार्यों के फल एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात हो जाते हैं, दिख जाते हैं, और अपेक्षाकृत शीघ्र भी दिख जाते हैं। प्रत्येक कार्यों के फल स्वयं से संबंधित हो या ना हो, अन्य किसी न किसी से संबद्ध होकर के वो सामने आ ही जाते हैं। भूमि है, भवन है, यान है, वस्त्र है, भोजन है, इन सभी के फल किसी न किसी के से संबद्ध होकर के हमको दिख जाते हैं। उनके जो भी लाभ हैं वो सब भी हमको कोई विशेष बाधा के बिना ज्ञात हो जाते हैं, इसलिए इनमें तो प्रवृत्ति हो जाती है। लेकिन जो आंतरिक फल हैं, अगर ये किसी को उपलब्ध हो भी गया तो भी हमको नहीं इसको उपलब्ध होते, हमको ज्ञात नहीं होता है किसी को क्या मिला नहीं मिला, ये पूरा पूरा हम देख नहीं सकते, जान नहीं सकते। पहले तो स्वयं को होते ही नहीं ये ज्ञात, समझ में नहीं आते हैं, अनुभव में आते नहीं इसके फल, और किसी के अनुभव में आ भी गए हैं तो हमको उसका कोई अनुमान नहीं हो पाता है। तो फल की दृष्टि से भी और विशेष निकर्ष की दृष्टि से भी दोनों कारणों से हम उसको अधिगत नहीं कर पाते हैं, अपनी बुद्धि से उसमें निर्णय नहीं ले पाते, इसलिए हमारी प्रवृत्ति प्रायः आंतरिक जो होती है स्वाभाविक नहीं होती है। स्वाभाविक नहीं होने के कारण अब हमें किसी न किसी की अनिवार्य रूप से अपेक्षा हो जाती है, कोई हमको आंतरिक रूप में भी प्रेरण या मार्गदर्शन करने वाला होवे। इस कारण से आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु की विशेष आवश्यकता रहती है। तीसरा कारण ये भी होता है कि आध्यात्मिक क्षेत्र की जो बाधाएं हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, दोष ही होते हैं, कोई भी गुण बाधक नहीं बनता है, सारे के सारे दोष होते हैं, मिथ्या जान होते हैं, क्लेश होते हैं, और उन क्लेशों को छोड़ना भी हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है। बाहरी दोष तो हमको दिख भी जाते हैं, वाचनिक होते हैं, शारीरिक होते हैं, ये हमको दिख जाते हैं, तो प्रायः हम किसी के सामने नहीं भी करते हैं, इसको नहीं करना चाहते हैं, इनको झूठ बोलना है या चोरी करना है, जो कुछ भी है, अन्य कार्य प्रायः रुक भी जाते हैं, कोई देख लेगा, लेकिन यहाँ के जो दोष होते हैं वो सब क्लेश स्वरूप सांस्कारिक होते हैं या मानसिक होने से उसको करने पर भी कोई देखता तो है नहीं, देख नहीं सकता। तो यहाँ शारीरिक या वाचनिक दोषों को जैसे किसी के देखने के कारण हम रुक जाते हैं अपने आप, उसको नहीं भी करते हैं, लेकिन जो हमारे मानसिक दोष होते हैं इसको तो कोई देखने वाला भी नहीं होता। जब कोई देख ही नहीं रहा होता है तो फिर अपने को करने में बाधा भी नहीं होती है,
बाह्य दोष शारीरिक वाचनिक भी अगर कोई नहीं देखता है तो हम कर डालते हैं, ऐसा रहता है। लेकिन प्रायः होता है कि बाहरी दोष हमारे पकड़े जाते हैं दूसरों से, तो वहाँ बचना स्वयं हो भी जाता है, लेकिन भीतर तो कोई देखेगा ही नहीं, इस कारण से वहाँ अपने आप बचना होता ही नहीं। एक समस्या तो ये भी होती है कि वो दोष दूसरे के ना दिखने से भी हम बच नहीं पाते हैं, और दूसरी बात है कि उनको छोड़ना हमारे लिए बहुत कठिन होता है। कोई भी दोष जब तक दोष है या हानिकारक है या पूरी तरह से कोई दुख विशेष उत्पादक नहीं सिद्ध हो जाता है, तब तो उसको छोड़ने की हमारी प्रवृत्ति नहीं होती, हम नहीं छोड़ते। तब तक लगने लग जाता है कि सुख से अधिक अब दुख देगा, ये निर्णित हो जाता है, अब छोड़ने का हम संकल्प लेते हैं, इन फिर भी उसका मूल जो कहाँ से उत्पाद होता है, आरंभ होता है, वो नहीं फिर पकड़ में आता है। तो बाहर से जानते हुए भी मानते हुए भी छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ पाते, तो ये भी कारण होता है। और दूसरा कई ऐसे दोष हैं जो हम छोड़ने के लिए अपनी ओर से कभी तत्पर ही नहीं हो सकते, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में जो दोष हैं वो लौकिक दृष्टि से बाहर वो गुण भी होते हैं। लौकिक सांसारिक दृष्टि से जितने भी अच्छे गुण हैं, धर्म है, आध्यात्मिक दृष्टि से वो दोष हो जाते हैं। जैसे कि लौकिक सुख है, लौकिक दृष्टि से बुरा नहीं हो सकता, लेकिन न्याय बुरा है। लौकिक सुख भी आध्यात्मिक क्षेत्र में लेना दोष है। यहाँ के जितने भी गुण हैं, रूप है, रत सौंदर्य है, ऐश्वर्य है, सारे के सारे अगर धर्म पूर्वक प्राप्त होते हों तो लोक में उसका निषेध नहीं होता है, वो अच्छा माना जाता है। इन आध्यात्मिक क्षेत्र में वो भी ठीक नहीं होता है। ऐसे ही जितनी भी अच्छाइयाँ होती है लोक में, बुराइयाँ तो होती होती है, लेकिन लौकिक दृष्टि से अच्छाइयाँ हो भी आध्यात्मिक क्षेत्र में बुराई हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अब उनका परित्याग करना और भी कठिन हो, उसको छोड़ने का संकल्प ही नहीं हो पाता है, क्योंकि हर कोई तो उसको अच्छा कह रहा है, बुरा केवल अपने को ही कहना होता है। तो ऐसी स्थिति में उनका परित्याग की हम कल्पना ही नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में जब तक कोई हमको बलात् नहीं छुड़वाएगा, उससे कोई बल नहीं देगा उसके लिए कि ये छोड़ो, तब तक नहीं छोड़ेंगे हम उसको। काम क्रोध आदि जो होते हैं, ये दोष हम जानते हैं कि हमारे दोष हैं, लेकिन फिर भी उसको नहीं छोड़ते हैं। उससे लगता है कि हमने कामनाएं छोड़ दी तो बचेगा क्या, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। क्रोध छोड़ दिया तो किसी को कोई भी हमको मारने लग जाएगा, दीनहीन किसी के सामने भी हो जाएंगे, क्रोध के कारण नहीं, क्रोध के कारण नहीं तो दूसरा हमसे डरता है, उल्टा नहीं तो हमको पीस देगा। तो ऐसे उनमें हमको गुण दिखाई देते हैं, उनके आधार पर हमारा जीवन चल रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में हम उनको त्यागने की कल्पना ही नहीं कर पा सकते, स्वयं उनको छोड़ देने की कल्पना नहीं कर पाते हैं, और छोड़ना अनिवार्य होता है उसको। तो
अब ऐसी स्थिति में जब तक हमको बलात् नहीं छुड़वाएगा कोई, टोकेगा नहीं बार बार, कोई दूसरा दबाव नहीं डालेगा उसके विरुद्ध, तब तक हम उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। घर होता है, परिवार होता है, ऐश्वर्य होते हैं, मान है, सम्मान, प्रतिष्ठा आदि, ये सारे के सारे जो होते हैं हमारे जीवन के आधार होते हैं। इन पर हमारा जीवन सुखपूर्वक आगे बढ़ता रहता है। अब इनको कैसे छोड़ सकते हैं? स्वयं छोड़ने की प्रवृत्ति इनके प्रति हो ही नहीं सकती हमारी, लेकिन छोड़ना आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में फिर अब वही होता है कि कोई हमारे पीछे अगर बल लगाए तब हम इसको छोड़ पाएंगे। और वहाँ पर भी फिर अपेक्षा हो जाती है कि छोड़ने के लिए कहने वाला भी जब तक उसमें हिम्मत नहीं दिखाई देती है, आत्मबल नहीं दिखता है, भीतर से अगर वो मन वचन एक नहीं लगता तो हम उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं होते, क्योंकि हमें संशय होता है कहीं हमको धोखे में नहीं तो डाल रहा है, हमसे लूट तो नहीं रहा है झूठ बोल करके। ऐसे स्वामी दयानंद के वो छीन छान लिया ना, ये तो पहनने का नहीं है तुम्हारा, अपने आप पहन लिए उन्होंने, रख लिए। तो ऐसे लूट भी बहुत होती है, उससे भी डर लगता है कि पता नहीं ये कह रहा है ठीक कह रहा है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में अब हर किसी में तो आत्मबल नहीं होता है छुड़वाने का, लेकिन जिसके पास विशेष उपलब्धि नहीं होगी वो बल नहीं लगा पाएगा इसको छुड़वाने के लिए। जिसने घर नहीं छोड़ा है वो किसी को कैसे बलपूर्वक कहेगा छोड़ दो घर, उसमें साहस कभी हो ही नहीं सकता है। और घर से बाहर आने के बाद भी कोई हमको कह रहा है घर छोड़ दो और स्वयं वो घर बनाने के लिए प्रवृत्त दिखाई दे दे तो भी हम उसकी नहीं मानेंगे। तो अब इसमें इसलिए ये हो जाता है कि यहाँ की उपलब्धियाँ भी उसमें हमको दिखनी चाहिए, ऐसे की ही बात हम मान पाते। तो अब ऐसी उपलब्धि वाला वही तो होगा जो प्रत्यक्ष किया हुआ है, इसको अधिगत किया हुआ है, वो गुरु ही हो सकता है। तो ऐसे उदाहरण भी हमको अपेक्षित रहता है, जो हमको कह रहा है कहीं है भी या नहीं ऐसा, तो और कहीं हो नहीं सकता है, वो गुरु में ही होता है। उस स्थिति में गुरु जो होता है फिर हमारा आदर्श बन जाता है, उदाहरण बन जाता है कि आगे ऐसा कोई खतरा नहीं है, इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो एक तो उसमें आत्मबल होने से वो हमारे ऊपर बल भी लगा देता है, करवा भी देता है बलात्, और हमको स्वीकार भी हो जाता है कि चलो इसके साथ नहीं हुआ तो हमारे साथ क्यों होगा, इसके बिना भी अगर इसका काम चल रहा है तो हमारा भी चल जाएगा। तो ऐसे हमको उदाहरण की भी अपेक्षा रहती है। तो उदाहरण भूत या उदाहरण रूप में गुरु भी रहता है, इस कारण से इस मार्ग में क्षेत्र में गुरु की अनिवार्यता हो जाती है। तो इस कारण से ये आवश्यक होता है कि हम इस आध्यात्मिक मार्ग में गुरु के अनुसार चलने का प्रयास करें, तो किसी न किसी व्यक्ति को गुरु के रूप में माने। बिना गुरु के इस क्षेत्र में जहाँ प्रवृत्ति नहीं होती है वहाँ भटकने की भी बहुत अधिक संभावना रहती है।
क्योंकि इसमें जो होते हैं फिर अनेक निर्णय लेने पड़ते हैं, और अगर कोई अनुभवी व्यक्ति बताने वाला नहीं होगा, सामने कोई नहीं होता है, तो निर्णय भी हम अपने संस्कारों के आधार पर करेंगे। संस्कार हमारे मिथ्या ज्ञान वाले होते हैं, इसलिए निर्णय लेने में भी बहुत भूल होने की संभावना रहती है। तो उस भूल से बचने के लिए भी फिर आवश्यक होता है कि हमें कोई अनुभवी व्यक्ति उपलब्ध होवे, उनके अनुभव के आधार पर फिर हम इन सभी अनुचित निर्णयों से, दोषों से या मार्ग से भटकने से बच जाते हैं। तो इन सभी कारणों से इस क्षेत्र में गुरु की आवश्यकता होती है। लेकिन ये सारे के सारे जो नियम होते हैं वो घटते हैं जो वेदवित और ईश्वर प्रत्यक्ष गुरु होते हैं, जिसको ऋषि कहेंगे, आप कहेंगे साक्षात्कृत धर्म, ऐसे व्यक्तियों से ये सारी की सारी संभावनाएं परिपूर्ण हो सकती हैं। और इस क्षेत्र में ऐसे लोगों की बहुलता नहीं होती है, कोई ही बिरला ही इसमें हो पाता है ऐसा। तो इनकी संख्या कम होने के कारण से ऐसे महापुरुष या श्रेष्ठ गुरु के अभाव के कारण से भी इस मार्ग में प्रायः जो होता है भटकने की संभावना बहुत अधिक रहती है। सबको ऐसे गुरु मिलना भी कठिन होता है, मिल भी नहीं पाता है, सभी को ऐसा सौभाग्य मिलता नहीं है कि मिल जाए, क्योंकि व्यक्ति नहीं है, हर जगह उपलब्ध होगा नहीं वो, इसलिए सबको मिल जाएगा ये आवश्यक नहीं होता है। होना चाहिए ये उत्तम स्थिति है, लेकिन होता ही है, हो ही जाएगा, ये भी अनिवार्य नहीं होता है, आवश्यक नहीं कि हो मिल ही जाएगा। तो अब क्या होता है कि फिर क्या किया जाए, इस मार्ग में नहीं चला जाए, छोड़ दिया जाए, तो वो भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि छोड़ देने से भी कोई कल्याण तो होना नहीं है। जो न्यूनता है वो तो रह जाएगी, जो दोष हैं वो रह जाएंगे, कारण के बिना कार्य तो होगा नहीं। कारण गुरु होता है तो उससे संबंधित जो कार्य हैं वो भी उसके अभाव में होंगे नहीं, इसलिए करना तो होगा ही। तो अब होता है कि इसका विकल्प होता है फिर हम अधिक से अधिक शास्त्र को अपने साथ लेके चल सकते हैं। शास्त्र भी उन्हीं गुरुओं के लेख होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, एक प्रकार से उनके ही वचन होते हैं, निर्देश होते हैं। तो गुरुओं के अभाव को शास्त्र के द्वारा पूरा किया जाता है। शास्त्र में वो सारी बातें होती हैं जिनको कि कोई गुरु बताता है या बता सकता है। गुरु भी केवल अपने अनुभव से नहीं बताते हैं किसी को कोई चीज़, वो भी किसी न किसी शास्त्र के आश्रय से ही बताते हैं, क्योंकि उपदेश साक्षात उपदेश में कभी भी सारी बातें नहीं आ सकती। साल भर कोई सुनता रहे तो भी पूरी बात नहीं आएगी एक विषय की। इन शास्त्रों में क्या होता है, वो पूर्वापर संकलन एक जगह होता है विषय का, इस कारण से शास्त्र प्रमाणिक होता है। व्यक्ति इतना ही उपदेश करता रहता है, पूरा नहीं ला पाता है, कुछ न कुछ छूट जाता है उसमें। और सबके अपने अपने स्तर भी होते हैं, अनुभव भी अलग अलग होते हैं, इसलिए हर किसी को हर किसी की बात पूरी की पूरी व्यवहारिक भी नहीं हो पाएगी, उसके अनुकूल भी नहीं हो पाती।
लेकिन शास्त्रों में जो बात होती है वो आरंभ से अंत तक सभी के स्तर के अनुसार होती है। वो पूरा अपने आप में विषय की संपूर्णता के कारण सबके लिए समान रूप से अनुकूल होती है। इस कारण से गुरु भी जो मार्गदर्शन करता है, निर्देश करता है, वो भी शास्त्र के अनुसार करता है, उसके आधार पर ही करता है, केवल अपने आप को ही नहीं करता है। हाँ, उसके अनुभव अपने साथ रहते हैं, उस चीज़ को भी वो साथ साथ में देता है, लेकिन केवल अपने अनुभव भी गुरु नहीं बांटता है। हर बात को वो केवल अपने अनुभव से बताए ऐसा नहीं होता है, उसे भी शास्त्र को साथ रखना होता है। इसलिए कोई भी जो सच्चा गुरु होगा कभी भी शास्त्र की उपेक्षा नहीं करेगा, और जो ऐसा कर रहा है तो उसमें न्यूनता समझनी चाहिए। गुरु कभी भी जैसे अपने वचन की उपेक्षा नहीं कर सकता, ऐसे ही शास्त्र में दूसरे गुरु के वचन होते हैं, उसकी भी उपेक्षा वो कैसे करेगा, नहीं कर सकता। इसलिए कोई भी गुरु ऐसा नहीं होगा जो शास्त्र की तो उपेक्षा करता है और अपने वचन को प्रमाणिक सिद्ध करता हो। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो समझना चाहिए उसके गुरुत्व में न्यूनता है। और जो सबसे परम गुरु है, ईश्वर है, उनके भी शास्त्री होते हैं, वेद है, जो भी है, तो वो सभी के लिए मान्य होता है। कोई केवल अपने अनुभव को प्रधानता नहीं देने लग गया, उसे वेद की उपेक्षा करनी पड़ेगी। और यदि वेद की उपेक्षा कोई करता है तो निश्चय से वो गुरु नहीं हो सकता। परम गुरु तक पहुंचाने वाला जो होता है वही गुरु होता है। जो परम गुरु तक नहीं ले जा सकता है वो गुरु की परिभाषा में नहीं आएगा। इस कारण से गुरुओं के भी जो वचन होते हैं, निर्देश होते हैं, वो भी स्वच्छंद नहीं होते हैं, वो भी शास्त्र पूर्वक होते हैं, तर्क प्रमाण से युक्त होते हैं। ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है, अगर साक्षात गुरु मिल गए तब तो सौभाग्य, नहीं मिले तो अधिक से अधिक शास्त्र को साथ रख के चलने का प्रयास करना चाहिए। गुरु भी नहीं है, शास्त्र भी नहीं है, तो ये निश्चित है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं होगी। पुरुषार्थ लगे होगा, समय लगेगा, शक्ति लगेगी, सब कुछ होगा, लेकिन उपलब्धि नहीं होगी, अधिक से अधिक असफलता की संभावना उसमें रहती है। तो इस कारण से प्रयास यही करते रहना चाहिए कि हम जहाँ तक हो सकता है शास्त्र को आत्मसात करते जाएं, शास्त्र को ग्रहण करते जाएं, और उत्तम गुरु यदि उपलब्ध होते हैं तो उनका अधिक से अधिक सानिध्य प्राप्त करने का ही प्रयास करें। प्रायः इस क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है, व्यक्ति जब अधिक ध्यान करने लगता है, साधना करने लगता है, उस समय उसको पढ़ने लिखने या सुनने की प्रवृत्ति नहीं रहती, वो अपने को ही प्रधानता देने लगता है, उसको सुनना अच्छा नहीं लगता, पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये दोष होते हैं, कितना ही ध्यान कोई कर रहा है, कितने ही ध्यान की सूक्ष्मता में चला जाए, लेकिन ये निश्चित है कि वो बिना दोष किए नहीं रहेगा। इस कारण से समाधि के, ध्यान के प्रत्येक क्षेत्र में शास्त्र के साथ तुलना करते रहना अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है। कोई भी जो आंतरिक स्तर, किसी भी स्तर के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थितियाँ हैं, अवस्थाएँ हैं, सभी की सभी क्या होती है, शास्त्र पूर्वक ही होनी चाहिए।
जहाँ शास्त्र के साथ विरोध आएगा वहीं भूल हो जाएगी। तो इस कारण से इस क्षेत्र में दोनों को लेकर के चलने का प्रयास करते रहना चाहिए। शास्त्र हो गुरु हो इनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। स्वयं मैं कर लूँगा ऐसी संभावना नहीं रखनी चाहिए। हाँ, अगर ये दोनों ही किसी कारण से उपलब्ध नहीं हो तो उस स्थिति में हो सकता है अब तो क्या करना है करेंगे। नहीं करने से अच्छा है कि स्वयं करना चाहिए। लेकिन अगर संभावना है कि मिल सकते हैं दोनों तो इनको भी लेने का की अनिवार्यता रखनी चाहिए। तो इसी कारण से आगमेन अनुमानेन ध्यानाभ्यास रसेन च कहा। शब्द प्रमाण पूर्वक अनुमान पूर्वक और ध्यान पूर्वक तीनों ही विधियों से जो होता है उत्तम योग की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से बुद्धि बना के चलना चाहिए। अधिक से अधिक हमें शास्त्रों को ऋषियों को लेकर चलना चाहिए और जो इस क्षेत्र के अनुभवी गुरु हैं शिक्षक हैं अध्यापक होते हैं मार्गदर्शक होते हैं उनका अधिक से अधिक सानिध्य मिले ऐसी प्रवृत्ति या इच्छा लेके चलते रहने से शीघ्र सफलता प्राप्त होती है।